कैसे हो प्यारे बच्चों, आज के इस सफर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी पे, फंक्शन के कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर को इस क्लास में हम लोग समझेंगे। बच्चों, यूं तो पूरे कैलकुलस में आपको ग्राफ का रोल दिखेगा, लेकिन स्पेशली कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को एक्सप्लेन करते समय ग्राफ काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ग्राफ का कुछ बेसिक आइडिया जरूर डेवलप कर लें। तो चलिए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी। लेट योर डिफाइंड फंक्शन इज y इक्वल्स fx। मान लिया ये हमारा कोई फंक्शन है। इसके कंटिन्यूटी का ज्योमेट्रिकल मतलब होता है इफ यू कैन ट्रेस द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विदाउट रेजिंग योर हैंड। अगर किसी पॉइंट पर आपको पेन उठाना पड़ जा रहा है, पेन आपको हटाना पड़ जा रहा है, एट दैट पॉइंट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल, यहां पर हम देख रहे हैं a to b दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड इन द अदर फिगर हियर लेट दिस इज a एंड दिस पॉइंट इज b। Here at C, this function is discontinuous. इस पॉइंट पर यह discontinuous है, क्योंकि इस पॉइंट पर हमने क्या किया कि हमने ग्राफ को ट्रेस करते समय पेन को उठाना पड़ा और यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। तो कंटिन्यूटी को आप ज्योमेट्रिकली देख भी सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप ग्राफ ट्रेस कर पा रहे हैं तो आपको दिखेगा कि एट दैट पॉइंट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, वहां पर फंक्शन टूट गया है। कई बार टूट कर अलग अलग भी हो जाता है। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब जो है इस तरह का भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है अगर ये टूटा हुआ है और टूट कर अपने ही लाइन पर जुड़ा हुआ है। बट दिस इज क्लियर, यहाँ टूट कर ये अलग अलग हो गया है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सम सिंबल्स इन कंटिन्यूटी। व्हाट इज ए प्लस? ए प्लस मीन्स ए प्लस एच, और यू कैन से slightly greater than a, or you can say limit h tends to 0 a plus h. Here a minus, what is the meaning of a minus? A minus means a minus h, where h tends to 0, or you can write limit h tends to 0 a minus h, or you can write slightly less than a. 0 plus is positive number, in 0 minus is negative number, infinity plus is equal to infinity minus is equal to infinity. Infinity में थोड़ा सा कम या ज्यादा भी करेंगे तो वो infinity ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो continuity पढ़ते समय हम इस सिंबल को यूज करेंगे और इसका मीनिंग हमको समझना है। यहाँ पर हम लिमिट को यूज करेंगे, लिमिट 11th क्लास में है और लिमिट से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं लिमिट क्या है। लिमिट जानने के बाद ही आप कंटिन्यूटी को समझ पाएंगे, इसलिए कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले एक बार लिमिट के वीडियो को देख लीजिए। यहां ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो उसका बिहेवियर किस तरह से दिखेगा। दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए, ये इस पॉइंट पर अल्फा पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट बीटा, दिस इज एट गामा, दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इस फंक्शन को ट्रेस करते समय हमने यहाँ पर पेन उठाया है, तो जहाँ पेन उठाना पड़ रहा है दैट पॉइंट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए, डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर ऑफ टू टाइप, ये दो बिहेवियर आपको दिख रहा है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ए, ये वैल्यू एफ ए है, दिस वैल्यू इज हियर, ये जो वैल्यू आपके पास आ रहा है दिस इज एफ ए प्लस, एंड दिस इज हियर एफ ए माइनस। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि
आपके पास ये तीनों वैल्यू डिफरेंट है. Here f a is not equal to f a plus is not equal to f a minus. But here, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर आपको दिखेगा f a minus and this is your f a plus and this is your f a. ये f a है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि f a minus is equal to f a plus but not equal to f a. लेकिन ये f a के इक्वल नहीं है. तो डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर आपको ये तीन फंक्शन में दिख रहा है. दिस इज कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस मतलब फंक्शन स्मूथ हो विदाउट रेजिंग योर पेन. इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ दैट मींस एट दैट पॉइंट फंक्शन इज योर कंटिन्यूअस. तो यहां हम कंटिन्यूअस बिहेवियर और डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर पे बात करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर एक इंपॉर्टेंट बात कि फंक्शन जब डिसकंटिन्यूअस होता है तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा. दिस इज पॉइंट कंसेप्ट. डिसकंटिन्यूटी ऑलवेज अकर एट अ पॉइंट. और कंटिन्यूअस बिहेवियर आप अगर कंटिन्यूअस बोल रहे हैं तो उसके लिए हमको इंटरवल बताना होगा. दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड ए टू दिस पॉइंट दिस इज कंटिन्यूअस बट एट एग्जैक्टली ए दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. दैट मीन्स इन सिंगल लाइन discontinuity always occur at a point. But continuity के लिए हमको क्या बताना होगा? You have to mention interval. Interval बोलना होगा या फिर हमको ये बताना होगा कि उस point पर FA, FA minus, FA plus तीनों equal है. Here your function is fx equals 2x plus 1, 5x, 2 and for 2x plus 1, interval is x greater than minus infinity less than equal to 2 and here x greater than 2 less than equal to 5, x greater than 5 less than plus infinity. You have to find f2, f2 minus, f2 plus, f5, f4, f root 2, f5 minus. तो इसके वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये जो आपके पास दिया हुआ है, this is domain. ये अंदर में जो लिखा हुआ है domain है. तो देखिए एग्जैक्टली f2 पे वैल्यू क्या होगा. तो यहाँ पर देखेंगे 2 पे, देखिए 2 इक्वल्स टू यहाँ पर है. तो इसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन पे जाएंगे. f2 यहाँ है तो 2 यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट मीन्स दिस इज 5. नेक्स्ट f2 माइनस. f2 माइनस क्या लिखेंगे? तो देखिए 2 से लेस देन भी इसी कंडीशन में है. 2 से लेस देन 2 तक के लिए वैल्यू है. तो 2 से लेस देन यानी हम क्या लिखेंगे यहां पर 2 2 माइनस h एंड प्लस 1. 2 माइनस का मतलब क्या हो गया? 2 माइनस मींस 2 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0 जहां h टेंड्स टू 0 है. तो अब आपके पास ये कितना आ गया? दिस इज 4 माइनस 2h प्लस 1 दैट मींस दिस इज 5 माइनस 2h. h tends to 0 that means this term will be 0. So this is here 5. Next f2 plus. तो f2 plus देखिए कैसे निकालेंगे. f2 plus यहां पर आएगा इस कंडीशन में. तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे डोमेन और 2 plus यहां पुट करेंगे. तो 2 plus का क्या मतलब हो गया? 2 plus means 2 plus h where h tends to 0. तो इसके अकॉर्डिंग हम रखते हैं 5 into 2 plus h that means this is 10 plus 5h. So 10 5h it becomes 0. So ye aapke paas kitna aa gaya? This is 10. Ye 10 aa gaya value. Next f5 dekhte hain kya aayega. So f5 aapke paas 5 equals to is interval mein hai. So hum yahan put karenge that means this is 5 into 5 that means this is 25. Ye aapke paas value aa gaya. Next f4. f4 देखिए तो f4 जो है 2 से 5 के बीच में है. 4 2 टू 5 के बीच में है तो हम इसको लिखेंगे 5 into 4 that means 20. Next f root 2. तो root 2 जो वैल्यू है इट लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू 2. माइनस इंफिनिटी टू 2 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 into root 2 plus 1. इस x को रिप्लेस करेंगे root 2 से. That means this is your answer. यही आपके पास आंसर हो गया. Next f
f5 minus means 5 minus h. So 5 से less than इसी interval में है. That means you can write 5 into 5 minus h. That means 25 minus 5h. That means this will be 0. So this is 25. तो हमने देखा यहाँ पर कि जो आपके पास ये वैल्यू दिया हुआ है उसमें हम डोमेन को देखेंगे कि वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसमें हम पुट करेंगे वो वैल्यू को और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे. तो ये आपको इस तरह का जो प्रॉब्लम होगा f2 minus f2 plus कंटिन्यूटी डिस्क्राइब करते समय आपको मेंशन करना होगा. इसलिए हमको ये जानना जरूरी है कि हम कैसे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे इंटरवल देखने के बाद फंक्शन सेलेक्ट करके. फंक्शन इज एनालिटिकली कंटिन्यूअस इफ एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ए माइनस. हियर एफ ए मीन्स एफ ए प्लस एच एंड एफ ए माइनस मीन्स एफ ए माइनस एच, वेयर h tends to 0. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट h tends to 0 f a plus h is equal to लिमिट h tends to 0 f a minus h is equal to f a. और इन दोनों का एक कॉमन नाम है जिसको हम लिमिट f a is equal to लिमिट x tends to a and this is here f x. So this is the criteria for continuity. This is the criteria for continuity. Here this is basic question. Let fx equals 2x plus 3, x greater than equals to 0 and 5x minus 4, x less than 0. Check continuity at x equals to 0. How will you check? So continuity का condition क्या है? तो देखिए यहाँ पर condition for continuity is f a is equal to f a plus is equal to f a minus. Here a is 0. इस पॉइंट पर हमको चेक करना है वो 0 है, क्योंकि 0 से ऊपर ये पॉलिनोमियल है and पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस and 0 से लेस के लिए क्या है, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसके कंटिन्यूटी फेल होने का चांस बस 0 पे है. तो हम केवल 0 पे चेक करेंगे. a equals to 0, a equals to 0 मतलब f a and f a is here f0 is 0 is condition में है. तो इसको यहाँ put करेंगे 2 into 0 plus 3, that means this is 3. Next at a plus का मतलब हो गया this is at 0 plus means limit h tends to 0 f 0 plus h. तो 0 से slightly greater than, तो 0 से बड़ा देखिए इस interval में है, तो 0 से बड़ा इस interval में, तो इसको लिखेंगे 2, x को replace करेंगे 0 plus h से, this is 0 plus h plus 3, that means this is 2 into 0 plus 2h plus 3. तो देखिए this part is 0 and h tends to 0 है, h tends to 0 that means it is 3. And third at f a minus means f 0 minus, it means limit h tends to 0 you can write f 0 minus h. 0 minus h means 0 से slightly कम अगर होगा तो it is negative. तो negative इस condition में है, देखिए इस condition में है तो हम यहाँ लिखेंगे 5, this is 0 minus h, x को replace कर दे रहे हैं इस value से, minus 4. अब ये आपके पास कितना आ गया 5 into 0
माइनस 5x माइनस 4, तो देखिए दिस पार्ट इज 0 एंड x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 दैट मींस इट इज 0, दैट मींस इट इज माइनस 4। तो आपको देखने से पता चल रहा है यहाँ पर कि f0 is equal to f0 plus, but it is not equal to f0 minus. So this function is discontinuous. So it is discontinuous. Continuous at x equals to 0. x equals to 0 पे function क्या है? Discontinuous है. Here your question is check continuity of fx equals greatest integer x at x equals 2. तो हम यहाँ पर इसको solve करेंगे कुछ इस तरह से. Here fx equals greatest integer. This is greatest integer. इसको हम लिख सकते हैं greatest integer. And continuity check हम करेंगे at a equals 2. For continuity, fa is equal to fa minus is equal to fa plus. This all three values should be equal. तो हम क्या करेंगे? fa यानी f2 पे देखते हैं क्या होगा. f2 that means greatest integer 2. 2 का integral part 2. f2 plus देखते हैं. 2 plus means limit h tends to 0. And this is f2 plus h, 2 plus h का integral part देखेंगे, तो 2 plus h का integral part भी आपके पास क्या है? 2 है, because h is very small, and in third point, here f2 minus, 2 minus, that means again limit h tends to 0, f2 minus h, तो 2 minus h, 2 minus h will be here, integral part of 2 minus h is 1 here. So this all three value is not equal. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि f2 is equal to f2 plus, but it is not equal to f2 minus. So function is discontinuous at x equals 2. x equals 2 पे क्या है? Discontinuous है. You can solve this question using graph also. इस question को देखिए, graph से हम कैसे solve करते हैं. This is coordinate axis. This is your x axis. This is y axis. And you know, greatest integer of 0 is 0. 0.1 is 0. 0.5 का 0. 0.999 का ये 0 होगा. जैसे ही ये 1 होगा, तो 1 का क्या होगा, ये यहाँ पर एक्सक्लूड होकर एग्जैक्टली ये 1 आ जाएगा. 1.1 का भी 1, 1.2 का भी 1, 1.999 का भी ये 1. दिस इज 1, दिस इज ये 2. अब देखिए, 2 के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे, तो 2.1 का भी 2, 2.3 का भी 2, 2.999 का भी 2. तो देखने से पता चल रहा है, एट x equals 2, this is x equals 2, this function is discontinuous. ये function टूट कर अलग अलग हो गया है, तो हम बोल सकते हैं कि this function is discontinuous at x equals 2. This function greatest integer, यानी हम बोल सकते हैं fx equals greatest integer x is discontinuous at x equals 2. और भी हम इससे रिलेटेड बात बोल सकते हैं. देखिए, ये फंक्शन जो है एट एवरी इंटीजर डिसकंटीन्यूअस. देखिए, 1 पे भी डिसकंटीन्यूअस है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, और नेगेटिव साइड भी कुछ इस तरह से आपको दिखेगा. ये देखिए 0 पे डिसकंटीन्यूअस, ये देखिए आपका -1 पे डिसकंटीन्यूअस. दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट ऑल इंटीजर. यानी हम बोल सकते हैं fx equals to greatest integer x is discontinuous at all integer. सारे इंटीजर पे क्या होगा?
डिसकंटिन्यूअस होगा, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स फ्रैक्शनल एक्स एट एक्स इक्वल्स जीरो। Here question is check continuity of fx equals fractional x at x equals 0. Here fx is equal to fractional x. This is fractional function. Fractional x. And here point is x equals 2. As per continuity, continuity ka condition kya hai aapka? Ki fa is equal to fa plus is equal to f a minus. This is the criteria for continuity. Yeah, graphically, without raising your pen, if you can draw the graph, that means function is continuous at that point. तो हम दोनों से देखते हैं, पहले इस method से देखते हैं analytically. तो हम यहाँ देखते हैं a क्या है, 0 है आपके पास, तो हम लिखेंगे f 0, that means fractional 0. Fractional 0 is 0. Next, f 0 plus, 0 plus means limit h tends to 0, f 0 plus h, 0 plus h, that means you can write limit h tends to 0, here this is 0 plus h, तो 0 plus h का fractional part क्या होगा, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, तो fractional part is h, and here f 0 minus means limit h tends to 0, f 0 minus h, that means limit h tends to 0, here this is 0 minus h, 0 minus h, always remember fractional part is positive, fractional part ka jo value hota hai wo kya hota hai, this is greater than equals to 0 and less than 1, to ye negative number aa jayega, to ye nice negative ko hum kya karenge, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको हम लिखेंगे दिस इज 1 माइनस h, 1 माइनस h इज हियर पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव आ गया एंड दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट। तो हमने देखा कि यहाँ पर तीनों वैल्यू जो है वो आपका डिफरेंट है, हियर f 0 इज नॉट इक्वल टू f 0 प्लस इज नॉट इक्वल टू f 0 माइनस, ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, because 0 is not equal to h is not equal to 1 minus h, ye tino jo hai value aapka equal nahi hai because h is very very small value, so this function is discontinuous at x equals to 0, so fx is discontinuous at x equals 0, ye function jo hai x equals to 0 pe discontinuous है। Next question is check continuity of fx equals modulus x by x at x equals 0. Here fx is modulus x by x. This function is also known as signum function. And as per the definition of signum function, सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन है इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो इसको क्या करेंगे, मॉड हटाकर ऐसे लिख सकते हैं, दैट मींस इट इज 1, इफ x इज 0 तो 0 बाय 0 इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड, बट यहां हम कंसीडर करते हैं केवल इसके नेचर को एंड 0 इज न्यूट्रल, तो हम केवल 0 लिखेंगे। इफ x इज नेगेटिव, नेगेटिव दैट मींस मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे, एक और माइनस डालेंगे, this is minus x and this is here minus 1, ये आपके पास आ गया minus 1, that means range of signum function is 1, 0 and minus 1. Now draw the graph, इसका graph draw कर सकते हैं, इसका graph draw करेंगे तो 0 पे देखिए exactly 0, 0 से बाहर यानी बड़ा तो ये आपके पास fx equals 1 and 0 से less के लिए ये क्या है minus 1, तो ये देखिए इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, दिस इज एक्सक्लूडेड, दिस इज एफ एक्स इक्वल्स माइनस वन, एफ एक्स इक्वल्स वन, दिस इज द ग्राफ। इस ग्राफ को देखने से पता चल रहा है कि एट जीरो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो एफ एक्स
इज डिसकंटिन्यूअस। एफ एक्स क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। हियर एफ जीरो, एफ जीरो देखेंगे, दिस इज जीरो, आपके पास ये वैल्यू है। एफ जीरो प्लस, एफ जीरो प्लस मीन्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। एफ जीरो प्लस, जीरो प्लस इज पॉजिटिव, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, जीरो प्लस एच बाय जीरो प्लस एच, दैट मीन्स इट इज वन। मॉड के अंदर अगर ये पॉजिटिव है तो आपके पास ये कैंसिल होकर क्या है, वन है। जीरो प्लस इस कंडीशन में आएगा, जीरो से बड़ा में। नेक्स्ट एफ जीरो माइनस, तो जीरो माइनस के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। एफ जीरो माइनस एच, तो जीरो माइनस एच इज नेगेटिव, नेगेटिव है, तो देखिए नेगेटिव इस कंडीशन में, तो हम ये क्या लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, जीरो माइनस एच डिवाइडेड बाय जीरो माइनस एच, कैंसिल आउट, दिस इज माइनस वन, दिस वैल्यू इज माइनस वन। सो यू कैन से हियर एफ जीरो इज नॉट इक्वल टू एफ जीरो प्लस इज नॉट इक्वल टू एफ जीरो माइनस। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स जीरो। एक्स इक्वल्स जीरो पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और इसको हम लोग ग्राफ से भी देखें और यहां भी देख रहे हैं कि ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है। फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों वैल्यू को इक्वल होना जरूरी है, या फिर ग्राफ से उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। हम पेन उठाकर ड्रॉ करेंगे वहां पर, तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेट योर फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स मॉड एक्स प्लस मॉडुलस एक्स माइनस वन, एंड योर इंटरवल इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टू टू लेस देन इक्वल टू टू, दिस इज योर डोमेन। Find the point of discontinuity. Point of discontinuity. तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो here your question is fx equals modulus x plus x minus 1. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्लॉट करने का कोशिश करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ से सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x जीरो, हियर x इज इक्वल टू वन, ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे हम प्लॉट करेंगे, माइनस इंफिनिटी दिस इज प्लस इंफिनिटी, एंड हियर दिस इज जीरो एंड दिस इज वन। जीरो और वन को हम क्या किए, नंबर लाइन पर शो कर दिया। क्या हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स नेचर, जहां पर फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, फंक्शन को जीरो से इक्वेट करेंगे इंडिविजुअली। मॉड एक्स को जीरो से इक्वेट करेंगे तो आपके पास एक्स जीरो आएगा। मॉडुलस एक्स माइनस वन को जीरो से इक्वेट करेंगे, दैट मींस दिस पार्ट इज जीरो, तो एक्स माइनस वन को जीरो से इक्वेट करेंगे, दैट मींस एक्स इक्वल्स टू वन आएगा आपके पास। अब आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट आया उसको नंबर लाइन पे ऑर्डर में सजाएंगे, पहले जीरो होगा उसके बाद वन होगा, दिस इज ऑर्डर। नाउ हियर नंबर लाइन इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बट आवर लिमिटेशन इज माइनस टू टू टू, हम यहाँ माइनस टू ले लेते हैं एंड दिस इज टू, तो हमको माइनस टू से टू के ही बीच ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, दिस इज जीरो दिस इज वन एंड दिस इज वन हियर एंड दिस इज टू। नाउ आवर नंबर लाइन इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट, माइनस टू टू जीरो, जीरो टू वन एंड वन टू टू। अब माइनस टू टू जीरो के बीच कोई भी नंबर ले लीजिए, लाइक माइनस वन, माइनस टू और जीरो के बीच हम ले लेते हैं माइनस वन, तो यहाँ पर माइनस वन को यहाँ पुट करेंगे, तो माइनस वन पुट करने पे देखिए क्या है, दिस इज माइनस वन नेगेटिव, और इससे भी ये नेगेटिव आएगा,
जब ये नेगेटिव आ रहा है तो मोड के अंदर इफ इट इज नेगेटिव तो साइन को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो आपका इस इंटरवल में, इन दिस इंटरवल हियर, इन दिस इंटरवल इस इंटरवल के लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, y इक्वल्स टू ये वैल्यू जो है नेगेटिव है, मॉड के अंदर नेगेटिव तो मॉड हटाकर क्या लगाएंगे, माइनस लगा देते हैं, दिस इज माइनस सिक्स। इसको भी पुट करने पे ये नेगेटिव होगा, माइनस वन अगर यहाँ पुट करते हैं तो इट इज नेगेटिव, तो मॉड हटाकर हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, दिस इज प्लस वन। हमने कोई एक वैल्यू क्या लिया था, माइनस वन लिया था, इस इंटरवल में लाई करने वाला कोई एक नंबर ले लीजिए, माइनस वन भी ले सकते हैं, माइनस 1.5 भी ले सकते हैं, माइनस 0.5 भी ले सकते हैं, कोई भी आप ले लीजिए, और इस नंबर को यहाँ पुट करना है, तो इफ इट इज नेगेटिव तो मॉड हटाकर माइनस लगा देंगे, इफ इट इज नेगेटिव तो मॉड हटाकर माइनस लगा देंगे, दोनों आपका नेगेटिव है इसलिए हम क्या किए, मॉड हटाकर माइनस लगा दिए, तो आपके पास इक्वेशन क्या आया, माइनस 2x प्लस 1, यानी कि इस इंटरवल में आपके पास इक्वेशन बनेगा कुछ ये, इन दिस इंटरवल यहां पर देखते हैं कोई वैल्यू ले लेते हैं, लाइक 0.5 ले लिए, 0.5 यानी 1/2, तो 0.5 के लिए क्या होगा, पॉजिटिव बट इट इज नेगेटिव, 0.5 खुद पॉजिटिव है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन y इक्वल्स टू x, ये आपके पास y इक्वल्स x आया, एंड दिस इज ये आपके पास क्या है, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि 0.5 माइनस 1 ये माइनस 0.5, देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मॉड हटाकर क्या लगा देंगे, इसमें माइनस लगाएंगे, दैट मींस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, दैट मींस इट इज कैंसिल आउट, दिस इज y इक्वल्स टू 1, यानी इस इंटरवल में हमारा जो ग्राफ बनेगा y इक्वल्स टू 1 बनेगा। नेक्स्ट 1 से 2 के बीच कोई नंबर ले लीजिए, लाइक 1.5 पुट करेंगे यहां पर, तो 1.5 पुट करने पे क्या आया, मॉड 1.5 जो होगा पॉजिटिव, 1.5 माइनस 1 तो ये भी 0.5 पॉजिटिव आएगा, तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं, y इक्वल्स x प्लस x माइनस 1, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगा 2x माइनस 1, ये आ गया 2x माइनस 1, दैट मींस हियर योर ग्राफ विल बी y इक्वल्स 1, तो 1 को हम ऐसे प्लॉट करते हैं, This is 2x minus 1. तो अब देखिए इस 1 को यहाँ पुट करेंगे, 1 को अगर पुट करेंगे यहाँ पर तो 2 into 1, 2 minus 1, that means 1. ये ग्राफ भी 1.1 से पास करेगा. देखिए 1.1. और स्लोप इसका क्या है? पॉजिटिव. स्लोप पॉजिटिव, तो ये क्या बनाएगा? एक्यूट एंगल. तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा. देखिए 2 पुट करने पे क्या मिलेगा? 2 into 2, 4. 4 minus 1, 3. तो देखिए 2 पुट करने पे ये मिला 3 आपके पास, और इस ग्राफ को हमने ऐसे ज्वाइन कर, ये ग्राफ हमारे पास कैसे ड्रॉ किए फिर से समझ लीजिए इसको, 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 2 इनटू 1 2 माइनस 1 1 दैट मींस 1.1, एंड 2 पुट करेंगे तो 2 इनटू 2 4 4 माइनस 1 3 2.3, ये स्ट्रेट लाइन है तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, दिस इज द ग्राफ। नेक्स्ट अब इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, 0 यहाँ पुट कीजिए, 0 पुट करेंगे, माइनस 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1 होगा 0.1, एंड माइनस 2 पुट कीजिए, माइनस 2 पुट करेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, 4 एंड प्लस 1 दैट मीन्स दिस इज 5, तो ये हो गया माइनस 2.5। अब चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, पावर 1 दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, तो दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद ये दिख रहा है आपको कि दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस, ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, कहीं ये टूटा हुआ नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि इन दिस इंटरवल दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यू कैन से एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -2 to 2। इसी क्वेश्चन को एनालिटिकली भी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ इफ योर ग्राफ इज रेडी, अगर आपका ग्राफ रेडी हो गया तो हम इस फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स
योर दिस इज माइनस टू एक्स प्लस वन, दिस इज वन एंड हियर दिस इज टू एक्स माइनस वन. हियर इंटरवल इज x greater than equals to minus 2 to less than 0. Here x greater than equal to 0 less than 1. Here x greater than equals to 1 and less than equal to 2. This is. अब आप इसको आप analytical method से भी solve कर सकते हैं. Analytical method में आप क्या करेंगे? F0 check करेंगे, फिर आप F0 minus check करेंगे, फिर f0 प्लस चेक करेंगे. तो ये आपको जीरो पे कंटिन्यूटी पता चल जाएगा. बिकॉज इन दिस इंटरवल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिकॉज दिस इज लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन दैट मींस दिस इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस. तीनों पॉलिनोमियल है. तो आपके पास माइनस टू टू जीरो के बीच ये कंटिन्यूअस है, जीरो से वन के बीच ये कंटिन्यूअस है, वन से टू के बीच ये कंटिन्यूअस है. तो अब तीनों कंटिन्यूअस है अपने इंटरवल में, लेकिन जहां इंटरवल ब्रेक कर रहा है वो है जीरो एंड वन. तो आपको इस तीन वैल्यू को निकालना है एंड हियर थ्री वैल्यू वन एफ वन प्लस एंड एफ एफ वन माइनस. इस तीनों वैल्यू को निकालकर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है और तीनों को देखेंगे कि क्या वैल्यू आपका आ रहा है. तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं एनालिटिकली. तो देखते हैं f0 पे क्या वैल्यू है इसका. f0 f0 देखिए 0 इंक्लूडेड हियर. तो 0 को इंक्लूड करेंगे यहां पर. आप चाहे तो ये इंटरवल को चेंज भी कर सकते हैं. चेंज करेंगे तो भी कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं आएगा. इक्वल टू यहां भी दे सकते हैं या इसको हटा भी सकते हैं. तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे. तो ये तीनों वैल्यू को देख लेंगे कि इक्वल है या नहीं. यहां देखते हैं f0. तो 0 पे देखिए ये 1 है. f0 इज 1. F0 plus, F0 plus का मतलब हो गया लिमिट h tends to 0, F0 plus h, यानी 0 से बड़ा. तो 0 से बड़ा देखिए इसी इंटरवल में है. ये भी कितना है 1. F0 minus देखते हैं. तो 0 minus यानी लिमिट h tends to 0, F0 minus h. तो 0 से छोटा देखिए इसी इंटरवल में है. तो इसको हम यहां पुट करेंगे. तो यहां पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा माइनस टू जीरो माइनस एच प्लस वन. तो ये आपके आ गया माइनस टू इंटू जीरो माइनस माइनस प्लस टू एच प्लस वन. तो ये वैल्यू है वन. तो दिस वैल्यू इज वन हियर. तो देखिए तीनों इक्वल है. दैट मीन्स दिस इज कंटिन्यूअस. इट इज कंटिन्यूअस एट x equals 1. ये x equals 1 पे क्या है? Continuous है. Next, f1 को चेक करते हैं. f1, f1 देखिए 1 equals to यहाँ पर है. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 into 1 minus 1. That means this is 1. Condition को यहाँ से देखेंगे. Interval का condition f1 is 1. f1 plus देखते हैं. F1 plus means limit h tends to 0 f1 plus h. तो 1 plus h यानी 1 से बड़ा. तो इसको हम यहां देखेंगे this is 2 1 plus h minus 1. That means 2 plus 2h minus 1. That means this is 1. h tends to 0 तो ये 0 हो जाएगा. 2 minus 1 1. Next f1 minus. f1 minus means limit h tends to 0 f1 minus h. तो 1 minus h देखिए किस इंटरवल में आएगा? इस इंटरवल में आएगा. तो इस इंटरवल में ये खुद आपको दिया हुआ है 1 है. तो यहां देखने से पता चल रहा है तीनों इक्वल हो गया. f1 is equal to f1 plus is equal to f1 minus. So fx is continuous at x equals 1. ये फंक्शन 1 पे भी कंटिन्यूअस हो गया. तो 0 और 1 जो है वो पॉइंट है जहां ये फंक्शन का इंटरवल ब्रेक कर रहा है. तो जिस पॉइंट पे इंटरवल ब्रेक कर रहा है उसी पे बस चेक करेंगे. बाकी माइनस 2 से 0 के बीच ये फंक्शन कंटिन्यूअस है बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल. दिस इज कॉन्स्टेंट फंक्शन. ये भी कंटिन्यूअस होगा. ये भी पॉलिनोमियल है. तो हमको केवल चेक करना है
उस पॉइंट पर जहां इंटरवल चेंज हो रहा है। इंटरवल चेंज हो रहा है, देखिए जीरो पे इंटरवल चेंज हो रहा है, वन पे, तो हम केवल जीरो और वन पे ही कंटिन्यूटी चेक करेंगे। या तो आप ग्राफ से बनाइए या तो आप एनालिटिकली बनाइए। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ग्राफ ऑप्शनल रख सकते हैं, एनालिटिकल बनाने के बाद ग्राफ से शो कर सकते हैं, या इंटरवल लिखने के लिए हेल्प ले सकते हैं उसका। सफर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप जुड़े रहें इस चैनल से, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड इट ऑन गिवन व्हाट्सएप नंबर। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, हैव अ गुड डे।